जींद के जो एकलव्य स्टेडियम में आज मेरी आवाज़ सुनो एक विशाल प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली का आयोजन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी द्वारा किया जा रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं, ये जो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ हजारों सैकड़ों लोग हैं जो वाहनों के साथ अपने आए हैं। तो लगातार यहाँ से हजारों लोग ये मैयत टोल पे हम इस समय मौजूद हैं। जींद की रैली में जाने के लिए काफ़ी उत्साहित है, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। बताना चाहूँगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने लगातार पिछले 1.5-2 महीने से प्रदेश भर में जाकर लगातार मेहनत की है, लोगों को बुलाया, तो ऐसे में ये सभी लोग यहाँ पहुँचे, तो इनसे आज बातचीत करेंगे। तो आप बताइए जी, आपका नाम और रैली को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम परविंदर, गांव खरड़ है। रैली को तो लेकर ये है कि चौधरी साहब ने एक रैली की घोषणा कर रखी है, भाई मेरी आवाज़ सुनो की, और उसके उसमें किसानों के बारे में मुद्दे पे, बेरोज़गारी के बारे पे और शिक्षा के बारे के मुद्दों पे चर्चा की। तो ये भी बताएं कि आज कोई वीरेंद्र सिंह जी कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, कोई कह रहा है कि अपनी पार्टी बना सकते हैं या कांग्रेस पार्टी में भी जा सकते हैं, आदर्श पार्टी में भी जा सकते हैं? वो तो देखो चौधरी साहब आज बता ही देंगे, बाकी हम तो चौधरी साहब के साथ हैं, जैसे उनका निर्णय होगा वैसे ही हम साथ। तो हमारे साथ और भी जो ग्रामीण जुड़े हुए हैं इनसे बातचीत करते हैं। तो आप बताएं कि जो रैली को लेकर आपको कब न्योता गया था, आप कौन से गाँव से और किस तरह का आप उत्साह? मेरा नाम नरेंद्र है जी, मैं गांव लाडवा से हूँ। तो विजेंद्र सिंह एक बहुत बढ़िया पढ़े लिखे है सांसद है, और जो कदे की राजनीति करते हैं, और तो अपने हल्के का भी काम बहुत किया, विकास का काम किया है, और कोई भी जाता तो सबकी आवाज़ सुनता है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े, इनसे बातचीत करते हैं। तो आप ये बताएं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी रैली कर रहे हैं, मेरी आवाज़ सुनो, वो आवाज़ किसको सुनाना चाहते हैं? वो आवाज़ सरकार को भी सुनाना चाहते हैं, रिपब्लिक को भी, भाई मेरी आवाज़ कहीं किसी की सुनाई नहीं, तो मेरी आवाज़ सुनो भाई। ठीक है, मैं बुरवाड़ा हल्के था लीला गांव लाडवा, इस ये एक भिन्न से प्रयास कर रहे थे भाई, पर सफल हो अपनी पार्टी तो देखो बना रहे हैं या दूसरी पार्टी में जा रहे हैं या इसी पार्टी में रह रहे हो, तो आगे ही बात है। तो ये बताएं कि क्या लगता है, मतलब इस सरकार में लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, समस्याएं दूर नहीं हो रही? कौन ही हुई नहीं, जदे तो यह समस्या रही, जदे या नारा लगाया हुआ मेरी आवाज़ सुनो, अगर जो आवाज़ सुनो तो ये नारा लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से आप क्या आगे, इनको क्या देखना चाहते हैं आगे भविष्य में? आगे भविष्य मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं इनको, इनकी आशा भी है भाई मैं मुख्यमंत्री बनूँ, हमारा प्रयास है ये बने। तो सांसद ब्रजेंद्र सिंह हैं उनके बेटे, उनको लेकर क्या कहेंगे? सांसद ब्रजेंद्र सिंह बढ़िया काम करे, इसने 5 साल में सारे गाँव में किसी में ट्रैक्टर दे दिए, किसी में पानी के टैंकर दे दिए, जिम दे दी, जो भी समस्या हुई हल करिए। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े, तो आपसे ये बताएं कि आज जो रैली होने जा रही है, लोगों में ये भी चर्चा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी पार्टी बना सकते हैं या कांग्रेस में भी जा सकते हैं, कुछ कह रहे हैं कि 30 सीटें दी जाए, इस तरह की भी चर्चा है? वो तो पार्टी में बात करेंगे, वो 30 सीटों पे आपके उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, वो जिस भी पार्टी में जाएं या इसमें रहें, ये थी उनकी सोच। तो क्या लगता है, क्या मतलब आज जनता के सामने अपने मुद्दे रखेंगे? हाँ, मुद्दे तो किसान का है, गरीब आदमी का है, पढ़ाई का है, शिक्षा का है, ये मुद्दे रखेंगे लोगों के सामने। अच्छा आप बताइए जी, क्या आप देखते हैं मतलब किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की, युवाओं की, किसान की, जो अभी तक दूर नहीं हुई, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से आगे क्या आप रखते हैं आश्वासन? जी देखो, समस्या बहुत हैं, पर एक भी समस्या कोई हल हुई तो आप ही बता दो, आप भी हर जाते रहते हो, देखते हो, पब्लिक में रहते हो, आप भी बता दो जी समस्या यह हल हुई है, पर वीरेंद्र भाई साहब ने जैसा भी हुआ है वो समस्या हल पूरी करिए जी। जहाँ भी जैसे हमारे कोई गांव में कोई कचरा का कोई काम था, गाड़ी घोड़ा का था, ट्रैक्टर ट्राली का था, पानी का टैंकर का था, पूरा साथ दिया है जी, और हमारी इच्छा से भी ज़्यादा उन्होंने काम करके दिखाया जी। इब हम तो देखो जी साहब के साथ हैं, वीरेंद्र जी के साथ में, जहाँ भी वो डिसीजन लेंगे उसके हम साथ रहेंगे जी। तो आपका क्या कहना है, अगर आज की जो रैली होगी पूरे प्रदेश भर से कितने लोग पहुँचने की संभावना है? कम 2-2.5 लाख। तो हमारे काम में रापर डानी गांव में सरपंच साहब जी हमारे हैं, तो काम करे पूरा है,
कि थोड़ा थोड़ा छोड़ गया दमदमा के बच जाए। तो क्या उम्मीद देखते हैं आज, क्या मुद्दे उठा सकते हैं वीरेंद्र सिंह? मुद्दा सारे उठावाना, अब तो कराऊंगी मर्जी ना कराऊंगी, तो साथ है जी, साथ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से साथ देंगे आगे भविष्य? हर तरह की साथ देंगे जी हम, और अब की बार जी पूरे हमारी जो इच्छा है साहब की वो क्लियर होगी जी, हम तो दिन रात उनके साथ रहेंगे और पूरी कार्यकारिणी उनके साथ है जी हमारी। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, आप क्या देखना चाहते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह को भविष्य में, मतलब किस तरह का उनका रुतबा होना चाहिए राजनीति को देखते हुए? राजनीति भविष्य के है, मैं कभी के खानदानी है, बड़ी आदमी है जनता उसके साथ है दुख सुख की सुनते हैं, तो जनता की आवाज़ उठाते हुए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आगे लोग कैसे देखना चाहते हैं, किस उनके रुतबे के अनुसार? सच्चा इंसान है जी, उसको सीएम देखना चाहते हैं, सीएम देखना चाहते हैं जी। तो वीरेंद्र सिंह जी वो भी शिक्षित इंसान है, सांसद वीरेंद्र सिंह को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया शिक्षित इंसान है, सच्चा दिल का इंसान है जी, और काम भी करे, पढ़ा लिखा भी जी, हर गाँव में जो भी काम था उसने आपकी तरफ से जो सारा कोई कमी छोड़ी जी। तो यही आज रैली हो रही है, काफ़ी पूरे प्रदेश भर से लोग पहुंचेंगे, तो ऐसे में आज देखना है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जनता के समक्ष अपनी बात भी रखेंगे, और लोगों में काफ़ी उत्साह एक बार दिखाना चाहूँगा, यहाँ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है, आप देख सकते हैं यहाँ, हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है, तो यहाँ से काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो अभी भविष्य अभी जींद में अभी जो रैली आयोजित होने वाली है, पूरे प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक हिसार।